और फिर वो गांव का माहौल, जो बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो वो बाहर चले गया, गांव वहीं का वहीं रहा। फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो वहीं के वहीं रहे, उनकी सोच वहीं की वहीं रही। बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं भी तो वो बाहर चले गए। अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं, यहीं पर कुछ कर रहे हैं, तो अपने घर में कुछ ना कुछ बातें, दो बातें भी अगर दिन भर में दो बातें भी अच्छी करेंगे तो जो सयाने बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ आएगा कि हाँ आज के ज़माने में क्या हो रहा है, इससे क्या लाभ है। मगर यहाँ कोई लोग इन चीज़ों को समझने के लिए वो मेंटली तैयार ही नहीं है। अगर वो समझाएं भी तो वो लोग एक बार में समझेंगे ही नहीं। आधे घंटे की अगर हम मीटिंग रखते हैं तो कहीं 2 घंटे उनको बुलाने में लगते हैं हमको, क्या आ जाइए बच्चों को लाइए, क्या बच्चों को पढ़ा के हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है उनके बच्चों को पढ़ा के। हमारे तो आंगनबाड़ी में ऐसा है कि हम बच्चों को, बच्चों का ही कोई लेना देना नहीं हमसे, हमने पूरे गांव का देखना है, गर्भवती धात्री से लेके हमने देखना है। अब ये लोग सोचते हैं अगर हम बच्चे भेजेंगे तो इनको फ़ायदा है, अगर हम बच्चे नहीं भेजेंगे तो इनको फ़ायदा ही नहीं है। हम मैंने तो कह भी जाएंगे आप लोग बच्चे भेजें तब भी हमें सैलरी मिलेगी, नहीं भेजें तब भी हमें सैलरी मिलेगी। अगर आप बच्चे भेजेंगे आपके ही बच्चे बहुत अच्छी तैयार होंगे। कल परसों ये लोग LKG में डालते हैं बच्चे को, यहाँ से 3 साल के बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, ABCD अवा का हो, वही चीज़ हम यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री चीज़ की कोई मान्यता नहीं है यहाँ पर आज के दिन में। बस पैसे में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको लेने के लिए कहें, अरे यार पैसे में मिल रहा है उसकी कोई कीमत है ना, बिना पैसे की कोई आज। अगर हम कोई चीज़ फ्री में हम भी दे रहे हैं, ये तो हमने हमारे वहाँ पोसा आ रहा है, हम फ्री में बांटते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और वो इतना अच्छा पौष्टिक चीज़ें हैं जो ये घर में आटा खा रहे हैं, इसे दुगुना कहीं कहीं दुगुना तिगुना अच्छा है वो, और वो फ्री में बांट रहा है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। वैसी अभी यहीं पर हुआ पेड़ों में ही, अब वो फ्री बांट रहे हैं ना, उनको तो लगा फ्री में बांट रहे हैं तो जिसको 10 मिले वो 10 लेंगे, जिसको 4 मिले वो 4 लेंगे। अगर पैसों में मिल रहे होते कोई एक से दूसरा कोई नहीं खरीदता। नहीं नहीं वो तो अगर पेड़ की कीमत 5 रुपये अगर होती ना, यहाँ पे 5 रुपये भी अगर पेड़ की कीमत होती तो लोग 2 पेड़ से तीसरा कभी नहीं उठाते।